श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय। प्रिय साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि साल 2021 में सावन के महीने की अमावस्या तिथि कब होगी। साथियों, सावन के महीने की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। सावन अमावस्या तिथि के दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए, किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। सावन अमावस्या तिथि के दिन किस प्रकार से आप देवी देवताओं की पूजा करें जिससे आपको उनकी कृपा की प्राप्ति हो, और सावन अमावस्या से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण और खास जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को प्रदान करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। लेकिन आज के इस एपिसोड को प्रारंभ करने से पूर्व जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। साथियों, हमारा उद्देश्य होता है कि जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उस एपिसोड में आपको उत्तम से उत्तम जानकारी दी जाए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि साल 2021 में श्रावण महीने की अमावस्या तिथि कब होगी और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, सावन के महीने में आने वाली अमावस्या तिथि को श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। यह अमावस्या तिथि बेहद खास हो जाती है क्योंकि सावन के महीने में आने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को सबसे ज्यादा पवित्र और धार्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रमुख माना गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को भी बेहद प्रिय होता है, इसलिए अगर आप इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा भी करते हैं तो आपको उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति हो सकती है। साथियों, इस अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का भी कारण है क्योंकि श्रावण के महीने में खूब वर्षा होती है, हर तरफ पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, चारों तरफ वातावरण शुद्ध होता है, हरियाली होती है। इस कारण इस अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि हरियाली अमावस के दिन विशेष रूप से आप पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं, ऐसा करने से भी आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति जरूर होती है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि साल 2021 में श्रावणी अमावस या सावन के महीने की अमावस्या तिथि कब है। सारी डिटेल मैं साइड में स्क्रीन पर शेयर करूंगा, यहां से आप डिटेल अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। साथियों, साल 2021 की हरियाली अमावस 8 अगस्त रविवार के दिन होगी। जी हां, 8 अगस्त 2021 रविवार के दिन सावन महीने की हरियाली अमावस्या तिथि होगी। साथियों, अमावस्या तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 7 अगस्त को शाम के समय 7:11 पर। यह डिटेल भी मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से आप डिटेल नोट कर लेंगे। और अमावस्या तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 8 अगस्त को शाम के समय ही 7:20 पर। मैंने टाइम और डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है, मुझे उम्मीद है आप यहाँ से डिटेल
नोट कर लेंगे। तो चलिए साथियों, अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि सावन अमावस्या तिथि का क्या महत्व होता है, इस दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए। सावन अमावस्या तिथि के दिन अगर आप पीपल की जड़ में जल देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में अगर पितृ दोष है तो वह शांत होता है। अगर किसी भी तरह का पितरों से जुड़ा हो कोई भी दोष आपके घर में है तो हरियाली अमावस्या सावन अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल जरूर देना चाहिए। सावन अमावस्या तिथि के दिन ही अगर आप मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके खिलाते हैं तो ऐसा करने से आपको रोजगार की प्राप्ति होती है, आपकी नौकरी में आ रही अड़चने दूर होती हैं। इस दिन हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से गुप्त शत्रुओं का नाश होता है या ऐसे शत्रु जो आपका कार्य बिगाड़ना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल जरूर चढ़ाना चाहिए, गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हरियाली अमावस्या के दिन ही शिव जी को शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि सावन अमावस्या तिथि के दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए। अब बात करते हैं कि सावन अमावस्या के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन अपने घर में बनने वाले भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सावन अमावस्या तिथि के दिन कभी भी किसी के लिए कड़वे वचन ना बोले और किसी की भी बुराई इस दिन नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया सावन अमावस्या तिथि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य करने से बचना चाहिए। फिर भी अगर सावन अमावस्या से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं पंडित नितिन शास्त्री अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनार् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय।